मैं nationation.com आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आप इस टाइप की ब्रास लेते हैं सो कुछ इस टाइप के जैसे टैग अवेलेबल होते हैं तो इसको किस तरीके से वॉश करना चाहिए, इसकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए. सो आइए समझते हैं क्योंकि इसकी केयर करना भी इम्पोर्टेंट है. सो लेट अस डिस्कस. ये हम लोग ऐसे ही वेयर कर लेते हैं और फिर उसको वॉश कर देते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी खराब हो जाती है और ये जो कप है इसके ये भी बैठ जाते हैं. ठीक है, सो इसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाता, फिर ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ये नहीं चल पाती है. सो अब मैं आपको समझाती हूँ कि इन ब्रास में एक यहाँ पर आपको दिखाएगा कुछ इस तरीके से होता है. तो इसमें से आप इसके कप्स निकाल के जब भी वॉश करना है ऐसा ही वॉश नहीं कर देना चाहिए, अदरवाइज इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाती है. सो अगर आपको ऐसी वाली बनानी सीखनी है तो ये मैं बनानी भी सिखा दूंगी, आप एक कमेंट करके बता देना. बाकी मैं आपको बताती हूँ इसमें से इस तरीके से यू कप्स को निकाल लेना चाहिए. ठीक है, और फिर उसको वॉश करना चाहिए क्योंकि ये बना ही इसी के लिए है. अच्छे से इसको फोल्ड कर लो पहले अंदर ही और फिर इसको वॉश करना चाहिए जिससे कि आपका जो कप है उसकी क्वालिटी भी बरकरार रहे और ये आप वॉश कर सकते हैं इस तरीके से. सो यहाँ पे दोनों साइड पे ये गिवन होता है, कभी आपने गौर नहीं किया होगा मे बी, बट ये गिवन होता है तो वो इसीलिए गिवन होता है. और फिर जब भी आपको पहनना है तो बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर वापस डालकर आप वेयर कर सकते हैं. कुछ इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और वो एडजस्ट हो जाता है. आजकल जो ब्रास हम बनाते भी हैं विदाउट पैड वाली तो उसके अंदर इसको स्टिच नहीं किया जाता है, आजकल इसी तरीके से डाल देते हैं और जब हम पहनते हैं उसको वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है. तो यही एक बेटर तरीका है और उसके अंदर सो कुछ इस तरीके से इसके फोल्ड करते हुए आप निकाल सकते हैं और मुझे बताइएगा कि कौन कौन ऑलरेडी इसी तरीके से वॉश करता है तो बेस्ट रहेगा आपके लिए. ठीक है, सो बेस्ट है कि अगर आपको मैं बनाना भी सिखाऊं तो क्या होगा कि आपको एक ही या दो पेयर ऑफ कप लेने पड़ेंगे और आपको जब भी पहननी है जिसमें पहननी है उसमें डाल लीजिए और पहन लीजिए. तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये सीखनी है तो. बाकी मैं आपको बिल्कुल क्विक टिप दे चुकी हूँ, इस तरीके से ज़रूर आजमाइए जिससे आपकी जो ब्रा है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है लाइफ है वो बढ़े और ये जल्दी ख़राब ना हो. अदरवाइज ये फॉर्म ही ख़राब हो जाएगी तो फिर हमें फिर न्यू लेने पड़ती है जल्दी जल्दी, इसलिए. सो थैंक यू सो मच. और बाकी ऐसी वाली जो स्ट्रेचेबल होती है ये किसी भी साइज़ के ज़्यादातर पहन सकते हैं बिकॉज दीज आर स्ट्रेचेबल.